जैसे हर व्यक्ति के गुण अलग अलग हुआ करते हैं, उसी प्रकार से देवों में भी अलग अलग प्रकार के विभिन्न गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों, ऐसा ही एक गुण है भोलेनाथ में कि भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रसन्न हो जाते हैं, फिर इनका फायदा हमें भी तो मिलेगा ना, आपको भी मिलेगा। अब शीघ्र प्रसन्न हो गए तो हम अपनी मन की इच्छा बोल देंगे ना, बिल्कुल बोल देंगे दोस्तों। तो बस अब हम अपने विषय पर आएं, इससे पहले अल्टीमेट ज्ञान में जुड़ने वाले सभी अपने प्रेमी गणों का हार्दिक अभिनंदन, और जो जय माता दी लिखते हैं उनके लिए भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। जय माता दी, जय माता दी। दोस्तों, आ जाते हैं अपने विषय पर। अब मैं जो मंत्र पढ़ रहा हूं, अब उस मंत्र को सुन लीजिए। और याद नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लिख लीजिए ना, आप लिख लोगे और लिख करके भी बोल दोगे, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे। ध्यान का मंत्र है ये भोलेनाथ का। अब मैं ध्यान लगा के बोल देता हूँ दोस्तों, सुन लेना, फिर इसे लिख लेना। मंत्र डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, सामने स्क्रीन पे भी मिल जाएगा। अच्छा है, कुछ ना कुछ करते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ पाते भी रहेंगे दोस्तों। चलो, तो मंत्र को मैं सुना ही देता हूं। ये ध्यान का मंत्र है भोलेनाथ का। ध्यायेन नित्यं महेशं रजत गिरि निभं चारो चंद्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वालांगं परशुमृगवरा भीते हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिममरगणैर् व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वन्दं निखिलेभैरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं ध्यायेन नित्यं महेशं ध्यायेन नित्यं महेशं ध्यायेन नित्यं महेशं ध्यायेन नित्यं महेशं। बहुत प्यारा मंत्र है दोस्तों, लिख लेना, याद कर सको तो अति उत्तम है। याद कर लोगे तो ध्यान के द्वारा बोल देना, और याद ना कर सको तो जो लिखा है उसको थोड़ी लय के साथ में बोल देना। सामने भोलेनाथ के अपनी यह बोलकर अर्जी लगा देना। अर्जी का अर्थ है कि जब आप बोल दोगे तो अपनी इच्छा जाहिर कर देना, वही तो अर्जी होती है ना दोस्तों। ऐसा कर दोगे तो आपकी इच्छा भी पूरी होने लग जाएगी और भोलेनाथ भी इससे शीघ्र प्रसन्न होंगे। बहुत भोले हैं भोलेनाथ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों में भी इसे शेयर कर देना, ना जाने किसको इसका फायदा मिल जाए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में, तब तक के लिए जय माता दी।